उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरधना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक परिवार पर उस वक्त गमों का पहाड़ टूट पड़ा जब एक मकान में अचानक से तेज धमाका हो गया। धमाके के साथ कई मकान भर भरा कर ढह गए। वहीं मकान के मलबे में दबने से परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। मलबे में दबे लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। धमाका इतना जोरदार था कि मकान के आसपास के करीब आधा दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आ गईं। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई मकानों की छत उड़ गई और दीवारें ढह गईं। पूरी सरधना में इस धमाके की गूंज सुनाई दी और बस चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। हम अपने घर में थे, काम कर रहे थे कि एकदम ऐसा हुआ कि जैसे युद्ध छिड़ गया, किसी ने बम गिर दिया। तो हमारी चीखें निकल गई जी, चीख पुकारे मच गए, हम बेहोश, कोई इधर को कोई इधर को, ऐसे धूल मट्टी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था जी। और कम से कम 10 मिनट बाद जब होश में आया तो पता चला कि पड़ोस में जो है धमाका हुआ है बहुत तगड़ा। और वहाँ जाके देखा तो कई मकान ध्वस्त हो गए जी और रास्ता भी बंद हो गया। फिर पब्लिक आ गई, पब्लिक ने देखा तो उसमें दो हैं जी, वो तो दो का तो इंतकाल हो चुका है, एक्सपायर हो गए, और कई जो है गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके के बाद इलाके में भगदड़ मच गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और बचाव का काम तेज किया। आज सुबह कस्बा सरधना कस्बे में आसिम के मकान में एक विस्फोट की सूचना थी। मौके पे हम लोग आए हैं तो विस्फोट में दो व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है, घायल की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। और विस्फोट गैस सिलेंडर के रिसाव पे आग लगने से हुई है, बाकी अन्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। हाँ, कुछ क्षति हुई है और विस्फोट की जानकारी, एक्चुअल जानकारी के बारे में पता किया जा रहा है कैसे विस्फोट हुआ। बताया ये जा रहा है कि बारूद के साथ साथ गैस सिलेंडर में भी आग लगी, जिसके बाद सिलेंडर तोप के गोले की तरह फट पड़ा और कई मकानों को तहस नहस कर दिया। बहरहाल इस धमाके ने एक साथ कई परिवारों की जिंदगी गम में तब्दील कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, INSTV।